तो भाई ऑटो वाले ने यहाँ उतार दिया और बस ये मान लो एक मिनट का रास्ता रह गया और चलते हैं अब मेट्रो लेंगे और उसके बाद नोएडा साइड जा रहे हैं, वहाँ जाके रूम लेंगे और फिर देखते हैं कब जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके खाना पीना खा के और चलते हैं फिर जैसे भी रहेगा आपके साथ शेयर करते चलेंगे। ये देख सकते हो क्या ये शांति स्कूप, ये है शांति स्कूप, ये पीछे जो देख रहे हो। ओके चल रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, नाइट लाइफ दिखाएंगे आपको नोएडा की अगर पॉसिबल हुआ तो, बाकी तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। वही यहाँ लग रही है चेकिंग, भाई पकड़ रखे हैं, एक टैक्सी वाला पकड़ रखे हैं और यहाँ दो बाइक वाले पकड़ रखे हैं, पता नहीं क्या वो डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा रहे हैं। और भाई ऐसा ही भाई, दिल्ली में एंटर होते ही झलक दिख जाती है, और वहाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं था भोपाल में, बिल्कुल 1% भी ये नहीं था कि पुलिस चालान काट। हाँ एक जगह दिखाया था मैंने आपको जो भी न्यू भोपाल में था, मतलब ओल्ड में इतना कुछ खास नहीं था, आईपी रोड हाँ जो भी था इसलिए। तो भाई पहुँच गए मेट्रो स्टेशन और लेते मेट्रो, फिर देखते हैं तो क्या करेंगे क्या नहीं, जल्दी आ गए बहुत जल्दी, सही था एक्सपीरियंस अभी सब तो, बाकी देखते हैं जैसा भी रहेगा। भाई आज तो थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, कल्टीवेटर और मैं इसको बोलता था, क्या बोलता था मैं इसको, एक्सेलेटर जो भी है यार क्या ही जाता है, और ये रहा पीछे, ये भी परेशान हो गया पहली बार। चलते भाई जैसे भी रहते, एक बार दिखाते हैं आपको। भाई हमारे साथ पोपट होता रहता है भाई, फिर से गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए थे और अब दूसरी पे जा रहे हैं। हाँ अरे मेरे साथ होता रहता है भाई, चलो भाई यहाँ पे जाना है, अब मिल गया करेक्ट और अब जाते हैं, जैसे भी रहेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे, आपके लिए, आपके लिए ही जा रहे हैं बस। ये रही ये रही ये रही, चलते हैं इसमें और ये हम लैंड हो गए। और देख सकते हो भाई इस मेट्रो स्टेशन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है भाई, वो मेट्रो होती है पहली बात तो, अरे ये थोड़ा सा ना ट्रेन होता है, ठीक है ओके भाई ब्रो, अभी रुकिए ब्रदर, चलो एक सेकंड ओके भाई। प्लेटफॉर्म तो अलग बात है, मेट्रो में भी गलत चढ़ गई तो वो उतरते हैं वापस। भाई सब क्या हुआ, भाग भाग के तो चढ़े, अभी अभी इसका बैग अटक गया बीच में मेट्रो के गेट में, वो बंद हो गया था, फिर वो वापस ओपन हुआ, हम चढ़े, चढ़ने के बाद देखा यार गलत मेट्रो में चढ़ गए, मतलब ये छोटी वाली थी, मतलब दूसरी साइड जाती थी, हमें दूसरी साइड जाना था, तो भैया फिर से बैठे यहाँ पे वेट कर रहे हैं। भाई पूरी बनी यार पूरी, तो भाई करते दिखाते दोबारा क्या कुछ रहेगा, दोबारा जा रहे हैं एक बार। मेट्रो हो रहा थी और भाई इतनी ज़्यादा भरी हुई, मतलब खड़े होने की ढंग से जगह नहीं थे, तो भाई हम तो बोले 5 मिनट वेट कर लेंगे, अब 5 मिनट के बाद दिखा रहा है मेट्रो और उसमें चलेंगे आराम से, दिक्कत ही नहीं है भाई, टाइम बहुत है। तो भाई सॉरी सॉरी मेट्रो खाली होगी, बस गिने चुने 2 या 3 बंदे हैं, हम ना सबसे लास्ट में उतरेंगे, मतलब लास्ट क्या कहते हैं स्टेशन पे, तो इसलिए बिल्कुल सब उतर गए हैं। ये दिखाता मैं एक बार आपको, अभी से पहले थोड़ी इतनी भीड़ थी थोड़ी देर पहले, वो तो अगला बिल्कुल ही खाली पड़ा है, चलते हुए उतरते आने वाला स्टेशन। तो ये देख सकते हो बिल्कुल खाली हो गया लास्ट तक, और चलते भाई बिजनेस का बंदा ही ऐसे होता है भाई, एमबीए बीसीए भी, चलते भाई दिखाते हैं आपको बाहर जाके। मेट्रो स्टेशन को अलविदा और भाई चलते एक बार और फिर दिखाएंगे आपको, एक बार खाना खा के, और होटल में अभी देखा है, मतलब बुक करा है, पेमेंट नहीं करी, तो देखते हैं वहाँ क्या रहेगा। तो ये कर लिया एग्जिट यहाँ से और भाई बाहर का ये हाल कुछ,
भाई बिल्कुल सामने से रेस्टोरेंट है, तो वही रेस्टोरेंट में और खाना खाते हैं और फिर अपने लिए होटल में जा सो देखा अभी बुक, मतलब बुक करा है, पैसे नहीं दिए, पहले रूम देखना पड़ा यार, यहाँ के अजीब ही काम होते हैं, मैंने किससे सुन रखे हैं, बुक करते हैं कुछ और मिलता कुछ है, तो इसलिए पहले रूम देखेंगे, ढंग का हुआ तो पैसे देंगे वरना भाई ठीक है। अभी ये रहे यहाँ देखते हैं, तो भाई रेस्टोरेंट में बैठे हैं पीछे और ऑर्डर कर रहे हैं, एक बार देखते हैं जैसे भी रहेगा, ये ऑर्डर कर रहे हैं और पीछे देख सकते हो, पता नहीं अभी स्टार्ट हुआ है कैसे क्या है, पीछे कॉपीराइट लगवाएंगे गाना, और करते हैं जैसा भी रहेगा आपके साथ शेयर, तो दिखाता हूँ मैं एक बार बैक साइड करके आपको कैसा सा है रेस्टोरेंट, भाई ऐसा कुछ चाहिए भाई, और कुछ देखी जाए हमने इस ट्रिप कह लो टूर कह लो या कुछ भी कह लो, मैं एग्ज़ाम देने गए थे यहाँ, खाना ठंडा खाया बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भैया शायद ना किसी बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो रहा है, देख सकते हो जब बलून का काम चल रहा है यहाँ पे, हो सकता है हमने आते ही पूछा था कि भाई कोई पार्टी के लिए बुक तो नहीं है, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि लग तो ऐसे रह गया भाई कोई पार्टी है यहाँ पे। तो भाई आ गया अपना खाना और बड़े टाइम लगा दिए, ये मान लो अप्रोक्स इन्होंने 15-20 मिनट लगा दिए, अब खाते हैं और चलते फिर भाई अपने रूम में, तो यही है कुछ। तो भाई खाना तो हो गया डन और करते इसको अलविदा रेस्टोरेंट को, और देखते एक बार बिल मंगाया है क्या कुछ आता है, टाइम देख सकते हो 12:37 हो चुके हैं, चलते अब। एक्सपीरियंस अच्छा था होटल का, और मेन चीज़ ये थी बस थोड़ा सा टाइम लगा होटल में क्योंकि हम सबसे पहले थे शायद, भाई हमें तो लगी थी क्योंकि हम इतनी दूर से चले हुए थे, बाकी यहाँ ना थोड़ा सा लेट रेस्टोरेंट वगैरह लेट ही खुलते हैं, वहाँ भी ऐसे ही तो भोपाल में भी है मान लो 11-12 बजे तो रेस्टोरेंट देखते भी। तो भाई कर दिया अलविदा रेस्टोरेंट और खाना अच्छा था, बाकी एक बार नाम बताता हूँ इसका क्या है नाम, एक सेकेंड, इसका नाम है हैशटैग ब्रोज, ये ऊपर दिखा सकता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, #3bros, हाँ ये सही है, सही था भाई एक्सपीरियंस, बाकी चलते हैं एक बार रूम पे और देखते हैं। तो भाई ये था ये 3bros, चलते हैं भाई अब होटल भी पीछे ही अपना। तो ये बिल्डिंग देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है, मतलब ये आर्टिफिशियल वैसे बना रखे हैं, और भाई यहाँ कुछ है चल रहे यार, यहाँ बिल्कुल 1 किलोमीटर के पास था जहाँ हम गए ना 3bros, उसके बिल्कुल बैक साइड में है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो भाई पहुँच गए एक बार होटल में और एक बार रूम चेक करके आपको दिखाते हैं, अगर सही होगा तो रहेंगे वरना भाई और जाएंगे, जैसा भी रहेगा दिखाते हैं आपको। इतना गंदा होटल था यार, बहुत ज़्यादा गंदा, और बस क्या ही बताएं ना, उसको मेंटेन कर रखा था रूम वगैरह, और जो ऑफर मतलब जो हमने बुक करा था ना ऑनलाइन, मतलब ये था बुक नाउ और पे लेटर का था, मतलब कि जाके एक बार देख के पे कर सकते हो, भाई साहब बोले इस बजट में तो हम देंगे नहीं, मतलब ये जब दिखा रहे हैं तो, मतलब गंदा स्टाफ भी गंदा था भाई, रूम तो और गंदे थे, हम बोले चल ठीक है भाई उस रेट में नहीं दे रहे तो अपने प्राइस में दे दो, भाई साहब रूम देखा और फिर प्राइस देखा तो बात ही नहीं बनी, और था भी अपने सेंटर से दूर तो वही देख रहे हैं पर क्या कैसे क्या रहेगा, बताते हैं घूमते, और अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तो भाई रूम बुक करके फ्रेश वगैरह होके और चिट्ठा पेपर देने चलना है। तो भाई घूम फिर के दो ऑटो लेके दो ऑटो चेंज करके हम वापस से यहीं आगे जहाँ से स्टार्ट किया था मेट्रो पे, और भाई यहाँ बुरा हाल है भाई, यहाँ तो ये मान लो कम से कम 1.5 घंटे से घूमते हैं और अभी चल रहे जैसे जैसा रहेगा, मतलब परेशान हो रहे हैं। तो भाई वापस से ले ली मेट्रो और चल पड़ते हैं, ऐसे भी रहेगा अभी, मतलब ये सर्विस हो गई है, मतलब इसका पूरा रूट खत्म हुआ है, तो ये सैनिटाइज वगैरह होके आई है, तो भी टाइम लगेगा 5-7 मिनट, तब तक बैठे और देखते क्या रहेगा, चलते फिर। तो वही निकल आया मेट्रो स्टेशन पे और चलते एक बार जैसा भी है।
तो भाई ये जहाँ मेरा आया हुआ है ना सेक्टर 62 में नोएडा में, भाई ये सबसे बड़ा मतलब सेंटर बताया, 1,000-1,500 बच्चे आते हैं मतलब एक टाइम पे पेपर देने, पर भीड़ देख सकते हो यार बवाल है यार। एक बार दिखाता हूँ, आगे जाके आपको दिखाता हूँ अच्छे से, बहुत तगड़ी भीड़ है, देख सारे वेटिंग पे है, मतलब इनका सबका पेपर है देख सकते हो। तो भाई ये इतनी भीड़ सारी उसकी है लगी हुई है, आगे देख। तो भाई अभी इनका ना पेपर ख़त्म हुआ, आप देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है पीछे। अभी ना थोड़े से लेट ऑन करा मैंने कैमरा, वरना भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये मान लो एक शिफ्ट में, और ये देखना निकल रहे पूरी तरह से बच्चे भाई, और ऐसे में हम यहाँ बैठे आराम से। तो ये तो सच बात है, कितने लाखों बच्चों का यार दिल टूटे, क्योंकि पोस्ट सारी ये मान लो लड़कों की 550 के आसपास है, 570 शायद, और भाई फॉर्म भर के 12 लाख के आसपास, 23 लाख ओ 23 लाख फॉर्म भर के, और भाई पोस्ट सारी 570 के आसपास है, देख सकते हो भाई क्या ही बेरोजगारी कह सकते हैं हम इसको। और एक बात ये भी है भाई, अभी ये मान लो यहाँ से 23 लाख फॉर्म भरे, तो इनमें से पेपर देने आए होंगे मुश्किल से 10 लाख, और उनमें से भी कोई सीरियस होगा तो भाई वो है 4 या 5 लाख सीरियस, 50,000 अच्छा सीरियस 50,000 बस, ये मान लो 50,000 बिल्कुल ऐसे है कि डेली पढ़ते हैं। हाँ मतलब जो डेली बिल्कुल तैयारी करते हैं खुल के, मतलब जो जिसने अपना पूरा टाइम दे रखा है वो, उनमें से 50,000 में से बच्चे छटेंगे 570-580 के आसपास। फिर वो तो मेल फीमेल दोनों है ना, मैं तो मेल मेल की पर हाँ भाई ये कुछ हो गया यार, कोई बात नहीं चलता रहता है। चलो भाई दिखाएंगे, अब मेरी भी बारी आएगी थोड़ी देर में अंदर जाने की, मैं भी दिखाता हूँ कैसा क्या है। वो फ़ोन तो मुझे बाहर ही छोड़ के जाना है, तो देखते हैं कैसा भी जो ऐसा भी रहेगा वो देख करते हैं। भाई साहब भीड़ देख सक रहे हो भाई, हद यार, मतलब अभी एक मिनट भी नहीं हुआ है एंट्री स्टार्ट होने, 3:15:32 है, मतलब 3:32 हुए, और भाई भीड़ देख सकते यार भाई, बवाल यार बवाल, बहुत बेकार। और मैं भी यहीं जा रहा हूँ, ये मेरा है ले लिया एडमिट कार्ड, अब चल रहे हैं वो नहीं दे के जा रहा हूँ दोस्त को, और यहाँ भी देखो सारे वेटिंग में बैठे सारे। चलो भाई और ज़्यादा भीड़ लग रही है, तो मैं जा ही रहा हूँ अंदर। भाई देख सकते हो कितनी सारी की सारी पब्लिक हुई है जो अपना एग्ज़ाम देने आए, फिर ट्रैफिक लग गया अलग से, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं से भाग के जा रहे हैं, और इसकी वजह से ट्रैफिक लग गया। आप तो सही उस पर जा रहे हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे भाई और कोई परेशान हो। ये पीछे आ रहा है भाई, मेट्रो का लोड देख सकते हो भाई साहब, ये देखो यार कितने बंदे आए हुए हैं भाई, पीछे भी भाई लाइन लगी पड़ी है देख सकते हो, और इतना ज़्यादा देख लो भाई, इतनी बेरोजगारी फैली हुई है। चलो भाई चलते हैं, अपना भी बुरा हाल हो गया थोड़ा सा, चलते जैसा भी है। अब हम सोच रहे यार 2-3 मेट्रो छोड़ देते, तब तक थोड़ी ढील सी हो जाएगी इतनी, और देखते जैसे भी है। तो भाई आज फिर से बुरी बनी अपने साथ, होटल बुक कराया था 2 जगह भाई, देखा इसमें हमारी क्या गलती कि भाई ऑनलाइन बुक उसके रेट ऐसे दिखा रखे हैं ये। हाँ ये मान लो 2,000 का रूम हमें 600-700 का ऐसे पड़ रहा था, भाई सब ने मना कर दिया, बोला भाई हमारी ये नहीं, मतलब चल ठीक है फिर कम से कम यार ऑनलाइन मत डालो ना। हाँ मुझे पहली बार वो मतलब ये कर रहे थे कि हाँ मतलब जो भी था, मतलब मैं पहली बार कर रहा था मेरे फ़ोन से, इसलिए क्या पर डिस्काउंट लगा क्या लगा भाई, पर सर्विस बहुत गंदी थी, पर मजबूरी में लेना पड़ा, और भाई जैसा भी अब करते खाना पीने का ऑर्डर और फिर चलते भाई कोई। तो भाई नेक्स्ट डे है, और भाई रात को ना थके हारे आए थे, और रूम ने ऐसी हालत ख़राब करी, मतलब 2 रूम देखे और भाई मिला नहीं ढंग का, तो लास्ट में इतने अजीब से गंदा सा, मतलब कोई भाई अच्छा होता तो मैं खुद ही बोल देता भाई, बहुत बेकार रूम था और कुछ भी काम का नहीं था, मतलब इससे दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए लोग ही नहीं गए, और भाई जल्दी सो गए थे रात को, और अभी उठे जस्ट मैं ये मान लो 1 घंटे पहले, थोड़ा बहुत रैली वैली हुए हैं और चल रहे अब अपने घर की तरफ, क्योंकि भाई बहुत हो गया है ये मान लो। हाँ होम स्वीट होम, क्योंकि ना
हम मेन तो घूमने के पर्पज से नहीं आए थे, एग्जाम के पर्पज से आए थे। और भाई वो पर्पज हो गया पूरा, तो अभी ये मान रहे कि भाई चलो घर चलो, ये है वो है, तो घर जा रहे हैं। और दिखाते आपको कैसा रहेगा आज का दिन। ये मान लो वो 4 या 5 घंटे का रास्ता है आज, वो कवर करेंगे और फिर घर पहुंच जाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको जैसा भी है इवनिंग वॉक। अरे ये पीछे कुछ है, मतलब ठीक है यार, ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर छत से ये थी रात को। और ये मान लो कुछ 900 का रूम पड़ा है, मतलब वर्थ नहीं है बिल्कुल भी 1% भी। इससे अच्छे तो 500 वाले भी होते हैं, मैंने सुना है ऐसी बात। तो बाकी करते हैं वीडियो यहीं पे बंद, और दिखाते अगर आपको कुछ अच्छा होगा तो ठीक है, वरना भाई मिलते हैं फिर। तो वही टाइम हो गया, 10 बज गए, और भाई कर दिया हमने रूम को बाय बाय, और चल रहे एक बार कुछ खाने पीने, और उसके बाद मेट्रो करेंगे ज्वाइन, और मेट्रो से चलेंगे फिर बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ से अपना वही रोहतक की बस लेंगे और सीधा फिर अपना रोहतक से घर। ये मान लो अप्रोक्स जाने जाने में 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे, और इतना टाइम तो लेके गई 5 घंटे बेशक लग जाए अगर कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिली तो। मिलता है जैसे भी रहेगा, बताते चलेंगे आपको, दिखाते चलेंगे कुछ दिखाने लायक होगा तो। वही बहादुर मेट्रो स्टेशन तक आ गए थे, 2 घंटे के आसपास लगा है, और भाई अब बैठ गया पर और बस में जो रोहतक उतारेगी। चलते हैं भाई रोहतक और फिर अपने घर पे दिखाएंगे आपको जैसा भी रहेगा। मिलते भाई रोहतक पहुँच गए हैं और थका पड़ा है, ये तो बिल्कुल कह रहा है बस मिलो और जाए आराम से सोए घर जाके। 2 नंबर पे पहुँच गए, अंदर जा रही है बस, और अंदर से पकड़ गया बस, और टाइम हो गया 1:30 पूरे। दिखाते हैं आपको क्या कुछ रहेगा। तो वही देख लो रोहतक पहुँच गए हैं और 1:31 हो गए हैं, लेते अपने बस घुमाना वाली और चलते हैं भाई घर, देखो कैसा था रास्ता। तो वही मिल गया बस अपने पर, मिल गया लोकल, इसमें लगेगा टाइम बाकी। हाँ है तो रोडवेज, और ये मान लो 1 घंटे के आसपास लगेगा, 1:33 हो रखे। आपको दिखाएंगे कितने बजे पहुँचेंगे, और भाई अपना सफ़र अपनी जर्नी यहीं ख़त्म है, मतलब घर जाते भाई जाते दिखाएंगे आपको जैसे भी है, मतलब लास्ट स्टॉप पे यहीं है फिर तो घर है अपना। तो भाई पहुंच गए गोहाना और बैठ गया अभी होटल में, पता नहीं कहाँ गया अभी, क्या लेने गया है, लेने गया होगा अपना कुछ। और भाई चलते अब घर की साइड, 5-7 मिनट का रास्ता रह गया बस, और देख लो भाई 5 दिन बाद अपना गोहाना वापस। और भाई देखो कहीं घूम लो यार, अपना शहर अपना घर तो अपना होता भाई, ये तो मैंने देख ली वहाँ, मतलब सारी चीज़ थी वहाँ पे, फिर भी अपनापन नहीं था और दुखी होने वाला काम था, यहाँ देख लो सब मौज है भाई। तो भाई पहुँच गए घर पे, ये सामने रहा घर, और भाई ये मान लो 4 दिन के आसपास लग गए हैं, और टाइम अभी हो चुका है, खुल जाओ टाइम हो चुका है 2:40। तो करते हैं एंट्री और देखते भाई क्या कुछ है। पहुँच गया भाई घर पे, और ये है अपना घर, ये खड़ी भाई, तो मिलते हैं भाई दिखाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, सब्सक्राइब करो, पूरी तरह मतलब पूरी की पूरी सीरीज़ को फैला दो भाई, आग की तरह लगा दो, सबको फैला दो, मतलब जो जानकार है सबको भेज दो। और मिलते गाइस ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, और आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।